अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा हूँ, आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छठा काइंड ऑफ वर्ब, जिसको हम कहते हैं ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्राई के मानी है तीन ट्रांजिटिव, जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो, वर्ब जो एक्शन जाहिर करे, उन्हें हम ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन है दोज वर्ब्स विच नीड थ्री ऑब्जेक्ट्स, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स। वो वर्ब्स जिनको तीन ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, उनको हम क्या कहते हैं? ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स। नाउ ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स को तीन ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। नंबर वन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जितने भी जानदार है, ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और जितने गैर जानदार हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑल नॉन लिविंग्स। और लास्ट हमारे पास है ऑब्लिक ऑब्जेक्ट। ऑब्लिक ऑब्जेक्ट किन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट जो जिनके साथ प्रीपोजिशन लगता है, उन्हें हम ऑब्लिक ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, और आप इसको अ प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। सो दोज वर्ब्स विच नीड थ्री ऑब्जेक्ट्स, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब। लव्स ट्राई के मानी है तीन ट्रांजिटिव, जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो और वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो, तो उनको हम ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, यू आर गोइंग टू ट्रेड इन योर वॉच फॉर अ रिंग। ट्रेड के मानी है तब्दील करना, बदल देना, उसके साथ लेन देन करना। आप उसके साथ लेन देन करने जा रहे हैं, उसके साथ तब्दील करने जा रहे हैं इम, उसके साथ अपने घड़ी को एक रिंग के लिए, यानी वॉच को, वॉच की जगह पे आप रिंग ले रहे हैं, और वॉच को देखकर आप रिंग ले रहे हैं और रिंग को लेकर आप वॉच दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज करना, ट्रेड करना, तिजारत, एक दे देना दूसरा ले लेना, इसको हम ट्रेड कहते हैं। सो यू आर गोइंग टू ट्रेड, आप तब्दील करने जा रहे हैं इम, उसके साथ। यहाँ पे इम के क्या मानी है? उसके साथ। अब ये जो इम है ये इफेक्टेड हुआ, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, योर वॉच आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग, और फॉर अ रिंग अब ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, फॉर अ रिंग, जिसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और आप इसे ऑब्लिक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सो यहां पर इनको कितने ऑब्जेक्ट की जरूरत है? तीन। नंबर वन इम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, योर वॉच आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और फॉर अ रिंग आपका ऑब्लिक ऑब्जेक्ट हुआ। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इम, योर वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्लिक ऑब्जेक्ट आपका फॉर अ रिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है, ई पेड द मैन मनी फॉर हिज जॉब। ई पेड द मैन, उसने आदमी को पैसे दिए उसके नौकरी के लिए। अब उसके नौकरी के लिए वो इफेक्टेड हुआ, एक जॉब था, मैन आदमी भी इफेक्टेड, ऑब्जेक्ट और मनी ऑब्जेक्ट। मैन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मनी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर इज जॉब आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जिसको आप ऑब्लिक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सो वो वर्ब्स जिनको तीन ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, उन्हें हम ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सोल्ड यू अ एट फॉर 10 रुपीज। यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ एट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर 10 रुपीज आपका ऑब्लिक ऑब्जेक्ट है, जिसको हम अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और अ प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। सो वो ऑब्जेक्ट वर्ब्स जिनको तीन ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, उन्हें हम ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। लास्ट एग्जाम्पल, शी विल ट्रेड मी दिस बाइसाइकिल फॉर योर बेनोक्यूलर्स। बेनोक्यूलर्स दूरबीन को कहते हैं, वो मुझे देगी, तब्दील करेगी क्या, दिस बाइसाइकिल, इस साइकिल को, फॉर योर बेनोक्यूलर्स, आपके दूरबीन के साथ। अब यहाँ पे बाइसाइकिल को देकर दूरबीन के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है, और ट्रेड के मानिए तब्दील कर देना, मी
मी आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाइसाइकल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर योर बिनिक्यूलर्स, बिनोक्यूलर्स, और ये आपका क्या हुआ? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जिसको हम ऑब्लिक ऑब्जेक्ट भी कहते हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। सो वो वर्ब्स जिनको तीन ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्लिक ऑब्जेक्ट की, उन्हें हम ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। पहला आपका ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब है ट्रेड, जिसको तीन ऑब्जेक्ट, जिसके से जिसके तीन ऑब्जेक्ट है। पहला है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एम, योर वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर अ रिंग ऑब्लिक ऑब्जेक्ट। इसी तरह ई पेड, मैं, द मैन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर हिज जॉब ऑब्लिक ऑब्जेक्ट। आई सोल्ड यू, मैंने आपको बेचा। एट एक टोपी। यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर 10 रुपीज, 10 रुपए में। तो ये आपका क्या हुआ? ऑब्लिक ऑब्जेक्ट। और इसी तरह ट्रेड वर्ब के भी तीन ऑब्जेक्ट है, जैसे मी, दिस बाइसाइकल, फॉर योर बिनोक्यूलर्स। अब यहाँ पे मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, दिस बाइसाइकिल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर योर बिनोक्यूलर्स आपका ऑब्लिक ऑब्जेक्ट, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसको हम अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। सो वो वर्ब्स जिनको तीन ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एक इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्लिक ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की, उन वर्ब्स को हम कहते हैं ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले काइंड ऑफ वर्ब के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।